नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाड़िक। आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में जान लेते हैं। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, यानी बच्चे पैदा न होना। कुछ लोग इसे वंध्यत्व भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनफर्टिलिटी के कारण कौन कौन से हैं, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी औरत को, तो उसमें सच में उस औरत का कसूर है या फिर उसके मर्द का कसूर है या फिर दोनों का कसूर है, यह देखेंगे। उसके बाद उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसके कारण क्या क्या है, इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, बांझपन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक साल तक लगातार यानी 12 महीने तक, शादी के बाद 12 महीने तक या फिर एक साल तक लगातार बच्चा नहीं हो रहा तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। 12 महीने तक यानी एक साल तक उसके पति और औरत के बीच में शरीर संबंध प्रस्थापित हो रहा हो रहे हो और उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, और एक साल में उन्होंने कौन से भी प्रिकॉशन है या फिर कंडोम है या फिर दूसरा तांबी है, वो कोई भी या फिर गर्भ निरोधक गोलियाँ है, वैसा कोई भी इस्तेमाल नहीं किया हो, उनमें लगातार एक साल तक संबंध आ रहे हो लेकिन उसके बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तभी ही इनफर्टिलिटी कहा जाता है यानी बांझ कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इनफर्टिलिटी के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि शादी हो गई, शादी होने के बाद एक डेढ़ साल तक उन्होंने प्रयास किया बच्चा होने के लिए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा तो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में शादी हो गई, एक बच्चा हो गया या फिर दो बच्चे हो गए और उसके बाद भी उनको एक बच्चा और चाहिए और फिर उनको बच्चा नहीं हो रहा, एक दो बच्चे होने के बाद 12 महीने तक उन्होंने प्रयास किया तब भी उनको बच्चा नहीं हो रहा तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि कितने परसेंट कपल जो होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या पाई जाती है। 1980-1990 के दशक में क्या होता था कि ए परसेंटेज था 10%, यानी कि 100 कपल्स में से 10 कपल जो होते उन्हें इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या पाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे 2010-2020 साल आ गया है, उसके बाद तो क्या है हुआ है कि 20% में यह समस्या पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि 100 कपल्स में से 20 कपल्स को बांझपन की इनफर्टिलिटी की समस्या पाई जाती है। यह परसेंटेज बड़ा है हाल ही के कुछ सालों में। ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इनफर्टिलिटी के कारण क्या है, बांझपन के कारण क्या है। पहला तो होता है कि स्ट्रेस, तान तनाव, वर्क का लोड, घर का लोड, काम का लोड, या फिर शादी। सबसे बड़ा जो कारण है शादी का लेट होना। आज क्या होता है कि करियर के चक्कर में, स्टडी के चक्कर में शादी बहुत ही लेट होती है। फीमेल की जो फर्टिलिटी होती है वो पीक को 24 इयर्स को पीक हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि 24 इयर्स में ही औरत को बच्चा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और मेल में ये 26 इयर्स का होता है, फर्टिलिटी का पीक मेल्स में 26 इयर्स का होता है, यानी 26 साल तक पुरुषों में फर्टिलिटी के चांसेस जो होते हैं, स्पर्म काउंट जो होते हैं, ये वो ज़्यादा होते हैं। हाल ही के कुछ सालों में 28, 30 या फिर उसके बाद ही शादी करने का शादी की जाती है। इसी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत बड़ी है। उसके साथ साथ हवा दूषित होती है, पानी दूषित होता है, हम कुछ भी खाने के लिए जाए, खान पान है वो मिलावट वाला ही होता है, जहर वाला होता है। इसी वजह से यह समस्या बहुत बड़ी हो गई है। बच्चा न होने के लिए औरत को ही दोष दिया जाता है, लेकिन क्या सच में सिर्फ औरत का ही दोष होता है। अब हम देखेंगे कि दोषी कौन है बच्चा न होने के लिए। सबसे पहले जो होता है पुरुष भी दोषी पाए जाते हैं बच्चा न होने के लिए। उनका परसेंटेज होता है 25% केसेस, यानी कि 25% केसेस में सिर्फ पति या फिर जो मेल्स होते हैं उनमें कोई भी कमी पाई जाती है, उसी वजह से बच्चा नहीं होता। 30% केसेस ऐसे होते हैं उसमें माता की यानी औरत का दोष होता है। 35% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेल्स और फीमेल्स यानी पति पत्नी दोनों में ही प्रॉब्लम पाए जाते हैं।
और 10% केसेस ऐसे पाए जाते हैं जिसमें किसी का भी दोष नहीं होता, पति का भी नहीं होता, पत्नी का भी नहीं होता, दोनों का भी नहीं होता, कोई भी कारण नहीं होता, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन 10% केसेस में बच्चा रहता ही नहीं है। इसीलिए बांझपन के लिए सिर्फ औरत को दोष देना सरासर नाइंसाफी है। बहुत सारे केसेस में पुरुषों में भी ये पाया जाता है प्रॉब्लम, या फिर स्त्रियों में या फिर पुरुषों में, पति और पत्नी में दोनों भी पाया जाता है। तो पहले तो पुरुषों की टेस्ट करनी चाहिए सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं और उनका समाधान क्या क्या है, उसके ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं।